हे गाइस, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का है डे टू का व्लॉग था ये। हम लोग मॉर्निंग में उठ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के लिए पहुँचे ही वहाँ पे, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था पूरे नासिक में। मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जस्ट रेस्टोरेंट के सामने एक शूज़ का शॉप था, वहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल था जो कि मुझे बहुत पसंद था। पर मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने सोचा नहीं कि मैं व्यर्थ लूँ। तो देन उसके बाद हमने एटिका बुक करने के बाद हम लोग निकल गए त्र्यंबकेश्वर की ओर, जो कि 3-3.5 घंटे का रास्ता था। मैंने स्कार्फ इसलिए पहना क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ही गंदा था, बारिश भी था एंड धूप भी था। तो मेरा स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है तो मैंने सोचा कि मैं स्कार्फ ही पहने रहूँ, वो बेटर रहेगा। देन नासिक में हम पहुँचे, वहाँ पे एक मंदिर था मुक्तिधाम मंदिर में हम गए। वहाँ पे अन्य प्रकार के देवी देवता थी जो कि हमने हर एक भगवान जी का हमने दर्शन दिया। हर एक भगवान थे, राम सीता माँ बच्ची माँ का मंदिर था और साई बाबा का था, वहाँ पे हमने दर्शन दिया जो कि एकदम पीसफुल लग रहा था। मंदिर काफ़ी बड़ा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जैन लोग थे। और एक चीज़, ब्रह्म जी का भी मंदिर था जो कि वहाँ पे लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं था, तो ये ब्रह्म जी का मूर्ति था। तो सब देवी देवता का दर्शन ले लिए। ये 4 ज्योतिर्लिंग का था जो कि उन लोग ने बनाया था, कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित था तो उसका पूरा डिटेल वहाँ उन लोगों ने दे दिया था। देन उसके बाद हम लोग ने सब कंप्लीट कर लिया, दर्शन ले लिया। उसके बाद हम निकले और त्र्यंबकेश्वर की ओर। त्र्यंबकेश्वर निकल के ही हम लोग ने सोचा कि जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 8:30 बजे का ट्रेन भी था तो टाइम ऐसा लग नहीं रहा था कि हमें दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट हम लोग टाइम पर पहुँच गए। त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के बाद हम लोग ने 9 टिकट के लिए बुक किया। फ्री दर्शन में हम नहीं गए, हम लोग ने टिकट लिया वहाँ से। देन हम निकल गए दर्शन की ओर। दर्शन का टिकट लेने के लिए वहाँ पे दो घंटे हम लोगों को रुकना पड़ा। 2 घंटे जैसे ही हो गया देन हम लोग को अंदर छोड़ा, दर्शन का टिकट मिला, देन फिर हम अंदर गए। लाइन भी काफ़ी था, हम लोग ने सोचा हमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन पेड दर्शन में हम लोग को 3.5 घंटा लग गया। वहाँ से फिर हम निकले बाहर, फ़ोटोज़ वगैरह खींची। ये अंदर का भी मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ भी लिए जो कि अलाउड नहीं था, तो मैंने चुपके से सब वीडियोज़ सब निकाल लिए। तो दर्शन हमारा अच्छा हो गया, हम बाहर निकले शॉपिंग की और। बट शॉपिंग क्या करना था वहाँ पे, कुछ भी इतना कुछ था नहीं, बैग्स वगैरह थे। उसके बाद हम लोग ने लंच किया। लंच के बाद एक मंदिर पहुँचे हनुमान जी का। लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान था, तो हम गए वहाँ पे दर्शन लिए जो कि इष्ट देव है हमारे। दर्शन वगैरह सब हो गया हमारा, हम वहाँ से निकल पड़े। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टेशन पहुँच गए नासिक स्टेशन, क्योंकि वहाँ से ही हम लोगों का ट्रेन था। हम लोग ने 8:30-9 बजे का ट्रेन बुक किया, जो कि ट्रेन भी लेट हो गया था हमारा। 12 बजे का 8 बजे का ट्रेन 12 बजे। सो गाइज, मीनवाइल स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।